आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस 15 अगस्त देश की आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है वो पूरे धूमधाम से उत्तर प्रदेश सरकार मनाने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान की भी शुरुआत की गई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसों की तो मदरसा बोर्ड ने काफ़ी भव्य आयोजन की तैयारी करवाई है। इस 15 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक झांकी निकाली जाएगी जिसमें मदरसा बोर्ड जो है तैयारी कर रहा है कि मदरसों में पढ़ रहे बच्चों द्वारा कुछ विशेष कार्यक्रम जो है वो आयोजित करवाए जाएँ। हमारे साथ मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली साहब हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। कमर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस 15 अगस्त काफ़ी भव्य आयोजन मदरसा बोर्ड की तरफ से करवाया जा रहा है, सबसे पहले किस तरह के आयोजन होंगे? आपको और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है। 75वां आज़ादी दिवस जो हमारा उसको उत्सव मना रहे हैं उसको हम, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये हम देख पा रहे हैं जो हमारे शहीद हुए हैं इस मुल्क के लिए, चाहे वीर अब्दुल हमीद हों, शहीद अशफाकुल्ला खान हों, और देखा APJ अब्दुल कलाम साहब भी मदरसे से निकले थे और राष्ट्रपति पद तक पहुँचे, वैज्ञानिक थे वो, पूरी दुनिया में उनका नाम था, उन्होंने भारतवर्ष का नाम किया। तो हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे शहीद हैं, इन्होंने देश के लिए काम किया है। मदरसे का बच्चा, माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि एक हाथ में मुसलमान के कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप, उसी के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। माननीय योगी सरकार, जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से मदरसे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और हर साल 10% बजट बढ़ाते हैं। तो मुख्यधारा में मुसलमानों को लाने का काम किया है माननीय मोदी सरकार ने, माननीय योगी जी सरकार ने, उसी के उद्देश्य से मदरसा बोर्ड काम कर रहा है। कंवर जी, इस 15 अगस्त किस तरह के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन मदरसा बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के लिए? देखिए, प्रतियोगिताएँ हो रही हैं, उसमें तमाम तरह की चीज़ें आती हैं प्रतियोगिता में, वो कार्यक्रम हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए हैं, उसकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से है और आप देखेंगे कि ये नज़ीर बनेगी माननीय योगी जी सरकार की, माननीय मोदी जी सरकार की नज़ीर बनेगी। और एक उत्साह बहुत है बच्चों में, आप मदरसों में जाके देखिए तैयारी किस तरह की है। उन्हें एक जो आज़ादी तो मिली लेकिन जो शिक्षा की आज़ादी है वो इस गवर्नमेंट में प्राप्त हुई है और हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बताया। क्या CM योगी के सामने, विधानसभा के सामने भी मदरसा बोर्ड के जो मदरसा बोर्ड है उसने तैयारी कोई करवाई है मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के लिए झांकी वगैरह निकलवानी? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ अभी हमने कह रखा है, हमने इजाज़त ली है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपके सामने आएंगी, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य ये है हमारी सरकार का। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने ये कहा कि जो मुसलमान है, बच्चा है, वो मुख्यधारा में आए, जब मुख्यधारा में आएगा तो एक जागरूकता होगी, जब जागरूकता होगी तो आप देखा कि तमाम तरह से इल्ज़ाम मदरसों पे लगते रहे हैं तमाम तरह से, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा उस बात का खंडन किया और हमेशा साथ दिया मुसलमानों का। आपने कहा कि तमाम तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं मदरसों पर, इस 15 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों में एक साथ ध्वजारोहण होगा, उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा। बेशक बेशक। क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? देखिए, प्रदेशवासियों को सबसे बड़ा एक संदेश ये है कि हम जिस मदरसा बोर्ड में है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है इस बोर्ड को और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरपरस्ती में है, वो जब से हम लोगों का मदरसा बोर्ड का गठन हुआ है तब से हम माननीय योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और लगातार हमारा प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छा हम करें। तो ये थे मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली साहब, जिन्होंने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार जो देश की 75वीं वर्षगांठ है 15 अगस्त, काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी क्रम में मदरसा बोर्ड ने भी अपनी कमर कस ली है, तमाम तरह के कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियां मदरसा बोर्ड कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के जो मदरसे हैं उन सभी मदरसों में मदरसा बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्यक्रम इस 15 अगस्त करवाए जाएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से मदरसों में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है उसकी एक झलक भी दिखाई जाएगी। विजेंद्र अनुराग के साथ इनसाइडर लखनऊ। UP और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप Daily Insider।